नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया। हाल ही में भारतीय विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को लेकर एक विवाद सामने आया, जिसमें उन्हें एक वरिष्ठ पत्रकार ने उनके संग इंटरव्यू ना करने पर धमकी भरे मैसेज किए, जिसका स्क्रीनशॉट लेकर भारतीय बल्लेबाज ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया। हालांकि ये पत्रकार कौन था इसका खुलासा बल्लेबाज ने नहीं किया, लेकिन बता दें कि अब ये मामला यहीं तक थमता नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब इस मामले में ICA यानी कि इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने साहा का समर्थन करते हुए पत्रकार की BCCI इवेंट्स में भाग लेने पर रोक लगाने की मांग की है। ICA ने ट्विटर पर रोक लगाने की मांग को करते हुए लिखा कि भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन भारतीय विकेटकीपर रिद्धिमान साहा को एक पत्रकार द्वारा दिए गए धमकी भरे संदेश की कठोरतम शब्दों से आलोचना करता है। हम बोर्ड द्वारा जांच का निर्णय लेने का स्वागत करते हैं। ICA बोर्ड से पत्रकार के खिलाफ कड़े एक्शन की मांग करती है। इसके बाद ICA ने आगे लिखा कि हम इस बात को समझते हैं कि हमारे खेल और खिलाड़ियों के लिए मीडिया एक अहम रोल अदा करता है, लेकिन इन सभी के साथ एक सीमा रेखा है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए। रिद्धिमान साहा के साथ जो भी हुआ वह पूरी तरह से स्वीकार योग्य नहीं है। ऐसे में सभी संस्थानों से भी अनुरोध करता है कि वह सुनिश्चित करें कि ऐसा आगे कभी ना हो। आपको बता दें कि ये विवाद तब शुरू हुआ जब साहा को श्रीलंका के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम से ड्रॉप किया गया, जिसके बाद पत्रकार ने उनके साथ इंटरव्यू करने के लिए कहा, लेकिन साहा के जवाब ना देने पर पत्रकार ने उन्हें धमकी दे डाली, जिसका स्क्रीनशॉट साहा ने ट्विटर पर साझा किया। अब देखना होगा कि ICA की इस मांग पर BCCI क्या जवाब देता है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।